आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए हो रही है, आप सब जानते हैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की, जिसमें ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शंस फॉर J&K UT अनाउंस की। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उस डिस्ट्रिक्ट डोडा के 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनकी इलेक्शंस अनाउंस हो चुकी हैं और वो फर्स्ट फेज़ में होने वाली हैं। पहले मैं आपको डेट शेयर करूंगा जो कि कल उन्होंने बताई। जो इसकी नोटिफिकेशन है वो 20 अगस्त को होगी। जो नॉमिनेशंस हैं उसकी लास्ट डेट 27/8 तक रहेंगे। इसकी स्क्रूटिनी रहेगी 28 अगस्त को और लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 30 अगस्त को। जो हमारा मतदान रहेगा, जो कि 10 साल बाद असेंबलीज के लिए होने जा रहा है, वो 18 सितंबर को होगा और उसके बाद डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर को रहेगी, जब तक हमारी तीनों फेजेस की इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी और जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे वो 4 अक्टूबर को रहेंगे और इलेक्शंस जो हमारी रहेंगी वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएंगी। तो 6 अक्टूबर के बाद हमारे पास एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर रहेगा जो कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगा और इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें बताना चाहूँगा कि कल जब अनाउंसमेंट हुई थी 3 बजे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो चुका है और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिदायतें दी जा चुकी हैं और उनके साथ हमने कल ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं और इंटरेक्टिव सेशंस रखे हैं, ताकि हम उनको इन इलेक्शंस में कैसे नॉमिनेशन फाइल करना है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या क्या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिनको वो यूज़ करके अपनी रैलीज़ के लिए और परमिशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स रहेंगी सी विजिल पे, कैसे कंप्लेंट्स फाइल करनी है और कैसे डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है इलेक्टोरल प्रोसेस की, उस सब के बारे में उनको बताया जाएगा। बताना चाहूँगा कि इस बार हमारे कंपेयर टू लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे कुछ महीनों पहले, तब हमारे पास 529 पोलिंग स्टेशंस थे। अब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और उनकी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखते हुए हमने 5 नए पोलिंग स्टेशंस ऐड किए हैं। तो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 534 पोलिंग स्टेशंस हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो सड़क से दूर थे या फिर पॉपुलेशन के लिए उतने कंड्यूसिव नहीं थे, उनकी लोकेशंस को शिफ्ट किया गया। तो ऐसे 5 पोलिंग स्टेशंस को हमने शिफ्ट किया है। तो टोटल 534 जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उसमें 10 का बदलाव है, 5 न्यू एडिशन और 5 की चेंजिंग लोकेशन। इस सब के बारे में स्वीप एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है और जो कंसर्न BLOs हैं उन्होंने हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करके स्पेशल समरी रिवीजन के तहत जो हमारे लेफ्ट आउट वोटर्स थे उनको ऐड किया है। हमारा जो पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का वो फाइनल होगा 20 अगस्त को। बट एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई वोटर जिसको ये लगता है कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक वो फिर से अपने BLO को कॉन्टैक्ट करके या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी एप्लीकेशंस कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हम उनको ऐड करेंगे, ताकि कोई भी वोटर पीछे ना छूटे और डेमोक्रेसी में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। इस बार हमारी कोशिश है कि लास्ट ईयर हमने 67 लास्ट ईयर नहीं सॉरी लास्ट इलेक्शन जो हुई है पार्लियामेंट्री इलेक्शन की, 67.42 हमारा पोलिंग परसेंटेज रहा था। इस बार वी आर एमिंग कि हम इसको बढ़ाएं और 90% को टच करने की हमारी एक अपेक्षा रहेगी और इसी से फिर जो हमारा लेजिस्लेचर इलेक्ट होगा, जो रूल्स बनाएगा फॉर द यूटी, उसको एक पावर मिलेगी। जितना ज़्यादा वोटर इसमें टर्न आउट रहेगा उतना ज़्यादा वो पावरफुल रहेगा। इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे एनफोर्समेंट शुरू हुई है MCC की, तो पहले 24 घंटे में तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उससे सारे पोस्टर्स जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की, और अगर कहीं पे किन्हीं पॉलिटिशियंस का जो पावर में है या जैसे भी हो उनके पिक्चर्स लगे हैं, वो सारे हटाने की प्रक्रिया शुरू है। आज 3 बजे तक वो सारा कंप्लीट होगा। इसके बाद जितने हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वो अगले 24 घंटे में उन सबको क्लीन किया जाएगा और 72 आवर्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस जो प्राइवेट भी हैं उनको भी वहाँ पर भी ये सारी जो बैनर्स हैं ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा। आपने भी आते हुए देखा होगा DC ऑफिस में भी जो इनॉग्रेशन प्लेट्स हैं उनको भी कवर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तमाम डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही हैं। एक चीज़ है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हिदायतें दे दी गई हैं
कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ अलाइंड नहीं दिखना चाहिए। इसमें मैं आपके थ्रू ही और अपने ऑफिशियल्स को ऑल्दो मैंने डायरेक्टली भी बताया है, क्लियर डायरेक्शंस देना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट पे रोल पे हो या गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा ले रहा हो या गवर्नमेंट से रिन्यूमरेशन इन टेम्प्ररी बेसिस ऑल्सो अगर वो ले रहा हो तो वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जो गवर्नमेंट के पे रोल पे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर ऑल डीम्ड टू बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और अगर वो किसी इलेक्टोरल इसमें किसी पार्टी के साथ अलाइंट दिखते हैं तो उन पे इमीडिएट एक्शन होगा और पॉलिटिकल पार्टीज आर वेलकम टू सबमिट देयर कंप्लेंट्स एंड यू विल गेट टू सी एक्शन विद इन 24 आवर्स। अरेंजमेंट्स फॉर जो इम्पार्शियल इलेक्शंस एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आपको बताना चाहूँगा, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स नो टोटल डिस्ट्रिक्ट में 3 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंक्शनल हो चुके हैं एंड दे आर ऑल हेडेड बाई अ तहसीलदार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफिसर, और वो अभी से ही कंप्लेंट्स को मॉनिटर करना शुरू हैं। जहाँ जहाँ पे कोई भी शिकायत या फिर कहाँ पे हमें सो मोटो खुद जाना है वो सारी चीज़ों पे FSTs फंक्शनल हो चुकी हैं। इसके अलावा 27 नाका विद इन द डिस्ट्रिक्ट हमने 20 तारीख से फंक्शनल करने हैं जब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस रहेंगी, और वहाँ पे CCTV कैमरा वो सब इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है वो इमीडिएटली इन्फोर्स आ चुकी है, तो अगर कहीं किसी को लगता हो कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी और कोई भी पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे वो पार्टी कर रही है या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। एक्सेसिबिलिटी का इस बार खास ख्याल रखा जा रहा है, लाइक लास्ट इलेक्शंस तो हमारे जितने 534 पोलिंग स्टेशंस हैं उन सब की एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाएगा। ना सिर्फ ये, लास्ट इलेक्शंस में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए, जैसे मॉडल पोलिंग स्टेशंस वीमेन ओनली या स्पेशली एबल्ड पोलिंग स्टेशंस, ग्रीन पोलिंग स्टेशंस, वीमेन पोलिंग स्टेशंस ऐसे बनाए गए थे, उन सब की सजावट की गई थी। सिमिलर चीज़ें इस बार और अच्छे पैमाने पे होंगी। ना सिर्फ ये, हर एक पोलिंग स्टेशन पे हमारे बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर्स रहेंगे और हमारे जो लोग लाइन में लगेंगे वोटिंग के लिए उनके लिए हम इस बार चेयर्स लगाएंगे ताकि अगर कोई बैठ के वेट करना चाहे तो वो चीज़ें भी इंश्योर की जाएं। जो हमारा ये इलेक्टोरल प्रोसेस रहेगा इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की, इसके अलावा टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आप सबको मिलके फिर से डिसेमिनेट की जाएंगी और इंश्योर किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस एक्सेसिबल रहे, परमिशंस टाइम टू टाइम मिले, और जो इसके लिए हमारे रेट्स नोटिफाई करने हैं डिफरेंट आइटम्स के, जो हमारी प्लेसेस नोटिफाई करनी है फॉर होल्डिंग रैलीज, वो भी हम जल्दी ही रिलीज़ कर देंगे और कॉमन पॉलिटिकल पार्टी से कल हम शेयर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से और पूरी तमाम जनता के सहयोग से हम एक बहुत अच्छी बेहतरीन इलेक्शन इन द फर्स्ट फेज करने जा रहे हैं। थैंक यू।